मात्र शक्तियों की आवाज मित्र शक्तियों से ज्यादा आ रही है, जबकि उनकी संख्या बहुत कम है। तो आप लोग दम लगाइए, डबल एनर्जी के साथ बोलेगा मेरे गुणवाना के लोग बोले, है ना, इको थोड़ा कम कर दे, कम पूरा कर दीजिए प्लीज, पूरा कम कर दे। तो सबसे पहले मैं ग्राम बगाड़ी की पावन नदी को सादा सेवा जोहार करती हूँ, साथ ही यहाँ की समस्त पेन शक्तियों को सायद सेवा जोहार करते हुए समस्त हमारे मंचासी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे जितने मुख्य अतिथि हैं और इस गुणवाना के भविष्य, हमारे बच्चे, हमारी मातृ शक्तियां, पितृ शक्तियां और युवा साथी, मैं आप सभी को सादर सेवा जोहार करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आपने आमंत्रित किया। आज मेरी जैसे वैशाली है हमारी, ये छोटी बहन जहाँ की है बालाघाट जिले की, वहां मेरा ससुराल है और मेरी सास आई हुई है, लेकिन मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाई और पंचायत का काम निपटाते ही आप लोगों से मिलने आ गई। तो ये ऐसा रहता है एक सरपंच का काम, ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अरे सरपंच का काम है मस्त कुर्सी में बैठो, दस्तखत करो, बिल काटो, हो गया काम, ये सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है भाई। सरपंचों को तो विधायक से भी ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि सरपंच को उन पांच गांव, मेरी जो पंचायत है जनपद मेंद्रानी का सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें पांच गांव आते हैं, और पांच गांव के लोगों की समस्याएं सुनते सुनते उनको निपटारा करते करते मुझे लगता है विधायक भी थक जाएगा, लेकिन सरपंच को नहीं थकना है, है ना। तो आज हम यहाँ पर हमारी गुणवाना की दाई वीरांगना रानी दुर्गावती महारानी की जन्मतिथि मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, और इस कार्यक्रम का जो मकसद है वो मकसद ये होना चाहिए कि अगर हम आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, ऐसे जन्मतिथि या फिर जो हमारे गुणवाना के जो क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं उनकी जन्म जयंती जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं, ऐसी समितियों को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना खर्चा करके, पंडाल का खर्चा करके और आप लोगों को यहाँ बैठने के लिए, लोगों से चिंतन मनन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। तो ऐसी आयोजक समिति को भी सादर सेवा जोहार है। और अनिल मामा जी ने मुझे बताया ये कार्यक्रम जो है खड़कवारा में है, उन्होंने बताया कि आपको 5 तारीख को यहाँ पर आना है, और मेरी ग्राम सभा भी चल रही है जिसे 5 गांव है, तो मुझे हर गांव में जो है 5 दिन तक ग्राम सभा आयोजित करनी होती है और वहां बैठना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि आप जागरूक है, अगर आप जागरूक नहीं है तो जरूरी नहीं कि सरपंच वैसे कार्यक्रमों में बैठे, लेकिन मुझे बैठना पड़ता है। तो वो निपटा के पंचायत का काम करके फिर मैं यहाँ पर आप लोगों सभी से मिलने आई हूँ। तो इस कार्यक्रम का जैसे मैं मकसद बता रही थी कि रानी दुर्गावती महारानी का जन्म जयंती है, तो ये जो दिन है मुझे लगता है विशेष होना चाहिए हमारी मातृशक्तियों के लिए, है ना, मातृशक्तियों के लिए विशेष होना चाहिए ना। विशेष इसलिए होना चाहिए कि आप जो है, सिर्फ इसलिए नहीं कि रानी दुर्गावती जो है उनकी जन्म जयंती है तो आपको याद किया जाना चाहिए, आपका ये दिन विशेष होना चाहिए, आपका हर दिन विशेष होना चाहिए, क्योंकि आपके गुणवाना की सांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था में आपको सबसे ज्यादा या सर्वोच्च स्थान दिया गया है जो किसी और समाज में नहीं है, समझ रहे। ये आपको इतनी जो सुंदर व्यवस्था बना के लोगों ने दी हुई है, आपके पुरखों ने दी है, आपकी जो आजी दादी है उन्होंने दिया हुआ है कि आपको समाज में पुरुषों के बराबर नहीं बल्कि पुरुषों से सबसे ऊपर रखा जाएगा, और आपको रखा है हर जगह पर। जब रानी दुर्गावती महारानी आप याद करते हैं कैसे कि 5 अक्टूबर 1524 को उनको जन्म हुआ और राज किया, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उसके बाद में जो है 24 जून 1564 को वो बलिदान हो गए, लेकिन उसके बीच की कहानी कौन बताएगा, उसके बीच की कहानी इतनी सरल नहीं होगी, है ना, इतनी सरल नहीं होगी जितना आप और हम मान सकते हैं कि एक जो है रानी पैदा हुई और किसी गढ़ की, मंडलागढ़ की, जबलपुर कटंगा की जो है वो महारानी बनी और उनका जीवन खत्म हो गया, ना, उनका जीवन बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि उस समय जब उन्होंने राज किया तो शायद उनके साथ उनके स्वयं के पति भी नहीं थे जो आपको सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करते हैं, समझ रहे इस बात को, वो अकेले अपने गुणवाना के लिए, आपके लिए जो आज इस पंडाल में आप बैठे हुए हैं, आपके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज आप जल जंगल जमीन की बातें कर रहे हैं ऊंची आवाज उठाकर, इस बात को समझिए, उन्होंने बहुत मुश्किल ही झेली है। जब अकबर के जो सेनापति है आसफ खान, समझते ना, आसफ खान नाम आप लोगों ने सुना होगा, दादा प्रेमशाह गीतों के माध्यम से कई बार सुने होंगे, उनकी वीर गाथा सुनी होगी, तो जब इन्होंने मुगल के जो शासक थे अकबर, दिल्ली शासक, तो उन्होंने महारानी दुर्गावती के पिंजरा
भेजा था। मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि उन्हें ये जरूर सुनना चाहिए कि हमारी सीमाएं किस हद तक है या हमारी सीमाएं शायद कहीं है ही नहीं हम महिलाओं की। तो उन्होंने पिंजरा भेजा और अकबर जो है उन्होंने ये बोला कि रानी आप हमारे पास आ जाइए, महिलाओं का इस तरह क्रांतिकारी बनना, इस तरह योद्धा बनना शायद सही नहीं है, आप पिंजरे में रहने लायक हैं, जो नारियां हैं, जो महिला है उनको पिंजरे में रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो महारानी दुर्गावती ने अपने आत्मसम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने मुगल शासक अकबर को एक चरखा भेजा कि आपका काम भी शासक करना नहीं है, आपका काम क्या है, चरखा चलाना, आप चरखा चलाइए और मुझे अपनी मेरी नीतियां, मेरे कानून, मेरे न्याय की व्यवस्था को आप मत सिखाइए। वही जब कहते हैं कि महिलाओं को यह बोल दिया जाए कि आप ये काम नहीं कर सकती हैं, तो मान लीजिए कि यह दुनिया डर बैठी है कि आप ये काम जरूर कर पाएंगी, इतनी शक्तिशाली हैं आप, इस बात के लिए आप अपने आप के लिए ताली बजाइए। आप इस बात को समझिए, जब पूरा समाज जब आपको रोकने के लिए उंगली उठाए तो समझ जाना इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली आप हैं, समझेंगे। जब मैं पंचायत का चुनाव लड़ रही थी ना, तो पंचायत से लेके जनपद से लेके जिला तक के कर्मचारियों ने मुझे ना जीतने की कसम खाई थी कि ये सब जितने भी पंचायत में 7 प्रत्याशी थे उनमें से कोई भी जीत जाए लेकिन ये लड़की पंचायत में सरपंच नहीं बननी चाहिए। तो भला जनपद वालों को क्या लेना देना, मैं तो अपने पंचायत की सरपंच बन रही थी, जिला वालों को क्या लेना देना, नहीं लेना देना था ना, लेना देना है। वो डरते हैं आपकी काबिलियत से, वो डरते हैं कहीं कि उनका धंधा बंद ना हो जाए। इस बात को समझो, जैसे रानी महारानी दुर्गावती से सब डरते थे कि अगर वो यहां पर राज करना चालू कर दी तो शायद ये गोंडवाना के लोगों को, गोंडवाना के लोगों में इतनी ऊर्जा भर देंगी कि वो कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं जो उन्होंने किया। ये आपके गोंडवाना के समाज की खूबसूरती है, समझ रहे हैं इस बात को, इसको समझिए, गौर करिए कि रानी दुर्गावती को हम आखिर पूछते क्यों हैं, आखिर मानते क्यों हैं। कहते हैं जो चले गए, जो क्रांतिकारी हैं आपके समाज के लोग हैं, उनके गुणों को हम अपने दिलों में बैठाएं, वो गुण कौन से, माना कोई नहीं है जिनके अंदर कोई अवगुण ना हो, लेकिन वो अवगुण आपके समाज के लोगों पर हावी नहीं होना चाहिए, वो न्यायिक व्यवस्था है आपके गुणवाना समाज की, है ना। वो नहीं चाहते कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो, आपकी वजह से कोई समाज की व्यवस्था बिगड़े। और जो खूबसूरत समाज है ना, खूबसूरत समाज की वजह से, उनकी जो व्यवस्था है उनके वजह से आप दुनिया में सबसे अलग पहचान रखते हैं। जब गीतों के माध्यम से, संगीतों के माध्यम से दादा प्रेम शाह मरावी ने 45-40 सालों से आपके बीच में रखने का कोशिश किया है, इस गोंडवाना की धरती में उनको जीवित रखने का कोशिश किया है, और वो शायद कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे भैया आधार शाह मरावी जो है मिनी स्वर लेडी के नाम से जानते हैं, मुझे लगता है उन पर ये नाम बहुत सूट करता है, क्योंकि दादा प्रेम शाह मरावी जैसे वो बता रहे थे उनके कार्यक्रम में, वो 8 साल या 9 साल के रहे होंगे तब से वो जा रहे हैं। तो जब उन्होंने अपने गीत संगीतों को जो लेकर आए हैं वो कहीं और से लेकर नहीं आए, वो आपके समाज से उपजा है, या आपके जो सियाने लोग हैं, जो आपके रीना सैला है उनसे उपजा हुआ है, वो उनको इसलिए पता है क्योंकि वो आधे से ज्यादा समय आपके समाज के साथ बैठते रहे हैं। उनको वो चीजें, वो आपको ज्ञान जो किताबों में नहीं मिल सकता है, वो सिर्फ कहां मिलता है, आपके ये बुजुर्गों के पास, आपके आजी नानियों के पास, आपके दादा दादी के पास में, मानते हैं ना। भूल लीजिए कहां पे किरीना कैसे किया जाता है, हमारी माताएं बहने कैसे एक हाथ को कब लेके जाना है आगे, पैर को कब लेके जाना है पीछे, ये कहीं लिखा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। वो कहां मिलेगा, हमारी आजियों के पास, हमारी नानियों के पास। और इस खूबसूरती को जब हम आप किताब में नहीं लिख सकते हैं, तब विश्व के लोग कहते हैं कि इन लोगों को जीवित रखो, विश्व आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस दो, ताकि इनको विशेष पहचान के रूप में इनको हम जीवित रख सके, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी की खूबसूरती जो है, इस दुनिया की खूबसूरती जीवित रह सके। आपको इतना विशेष बनाते हैं, वो आपकी संस्कृति को विशेष बनाते हैं, समझ रहे ना। हम बहुत मामूली लोग नहीं है, छोटे लोग नहीं है। हम जब संस्कृति की बात करते हैं, रीति रिवाजों की बात करते हैं, तो उनमें प्रकृति बसती है, प्रकृति आप में बसती है, आप प्रकृति में बसते हैं, आपको प्रकृति का तालमेल पता है, आपको पता है कि कौन से खेत में कोदो बोना है, कौन से खेत में गेहूं बोना है, कौन से खेत में धान बोना है। ये कौन सी किताब में लिखा जरा बताना, ये किताबें कब आई होंगी, किताबें आई होंगी आपका जब देश में क्या होगा, कागज आया होगा, है ना।
जब कागज आया होगा तो आपकी किताबें आई होंगी, आपके नियम व्यवस्था लिखे गए होंगे, लेकिन आपका समाज क्या किताब आने से बात का है? आपका समाज तब है जब ये पृथ्वी बनी, जब ये धरती बनी, तो पहला जो मानव पैदा हुआ इस दुनिया में वो आप थे, आप गॉड थे, आप इस धरती को, एक एक चीज को समझने वाले, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, पत्तों को, ये पेड़ों को समझने वाले आप थे। तो आपको किसी किताब के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान परा विज्ञान है। दादा प्रेम शाह मरावी कहते हैं, कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि शायद विज्ञान भी आपके ज्ञान को नहीं समझ सकता, और इसी ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हमारी माताओं बहनों का जो गीत गायन, उनके पीछे का जो रहस्य है, उनके पीछे का जो इतिहास है, उसको जीवित रखने के लिए विश्व मूल निवासी दिवस जैसे आपको दिवस विशेष दिए जाते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आप जब ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो आप चिंतन मनन करते हैं, ऐसा कोई समाज नहीं है। ये जो गुणवाना अमरकोट का जो गुणवाना सेवा ट्रस्ट है ना, ये इसकी मैं सदस्य हूं, और इसका जो मूल नियम है, मूल जो भूत जो ये कहना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, ये ट्रस्ट कहता है कि आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से पूरा मजबूत बनाना है। तो आपको इन चीजों को समझना होगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, लेकिन जब सामाजिक रूप से आप मजबूत रहेंगे तब आप राजनीतिक रूप में जाइए, आप राजनीति में उतरिए, लेकिन जब आप अपने सामाजिक व्यवस्था को, आपकी जो सामाजिक नीतियां है उनको नहीं समझेंगे, तो मुझे लगता है आपकी राजनीति किसी काम की नहीं रहेगी, है ना। तो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, लेकिन आपके समाज की खूबसूरती को बचाते हुए, आपके जो हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको विशेष रूप से ये चीज ध्यान में देनी होगी, क्योंकि ये समाज आपसे पैदा हुआ है, अगर आप खत्म हो गए तो यह समाज कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, है ना। जब हमारी माताओं बहनों की बात की जाती है तो लोग कहते हैं अरे ये तो महिला है, वो क्या कर पाएंगी। जब कुछ होता है, अभी ऐसे मंचों पर, ऐसे कार्यक्रमों में जो है आप लोगों को याद किया जाता है, रानी दुर्गावती को याद किया जाता है, तो मुझे लगता है वर्षों पहले जो है इनको, इनके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, ना किताबों में लिखा होगा। अब तो बहुत अच्छी चीज है कि आपके इतिहासकार हो गए हैं, और फिर जो लोग हो गए हैं वो आपको ये छोटी छोटी किताबें लिखकर, कोई पीएचडी स्कॉलर है तो कोई स्कूलों में पढ़ाई करके आपके ज्ञान को सुरक्षित करना रख रहे हैं, न तो इसके पहले किसी को ये नहीं पता था कि ये कौन से गढ़ किले के जो है, आपके गढ़ किले हैं, आपकी महारानियां हैं, ये कौन से गोत्र के हैं, ये किसी को नहीं पता था, लेकिन वो गीत संगीत ही है जिससे आपका समाज जीवित रहता है, है ना। और इसके लिए आपको, अगर जैसे अभी आधुनिकता आ गई ना, हमारे युवा साथी जो होते हैं डीजे को बहुत पसंद करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, कार्यक्रम खत्म हुआ अब एक डीजे वाला गाना बजा दो उसमें नाच लेंगे। हमारा जो समाज है, हमारे जो समाज की खूबसूरती है, वो खुद बजाना है, वाद्य यंत्रों को बनाना भी है, खुद बजाना भी है, खुद गाना भी है, और नाचना भी है, हमारा पूरा शरीर काम करता है उसमें, तब जो है ना हम ऐसे फिट रहते हैं। हमारे सियान बुजुर्गों देखो उनके पेट नहीं निकला रहेगा, है ना, वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो शारीरिक रूप से नाचते हैं, शारीरिक रूप से गाते हैं। जो उनके जो गाना गुथना होता है ना, कभी आजियो नानियों के पास बैठेंगे आप, जो युवा साथी है उनके जब सुनेंगे तो वो आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे, कोई काल्पनिक चीज नहीं होगी जो वो गाएंगे। जब वो गाते हैं तो आपके बीच के समाज की नीतियों को गाएंगे, जब वो गाएंगे तो किसी महिला की, किसी लड़की के जो आपके जो आभूषण है, आपके जो आजी नानियों के जो पारंपरिक आभूषण है, उनके बारे में गाएंगे कि हवाल क्या है, सुतिया क्या है। वो जब एक दूसरे से, जब छेड़छाड़ वाला जो वो होता है ना, शादी ब्याह होता है, जब खाना खाने आते, बारात आती है, तब एक दूसरे से किस्सा कहानी वाला चलता है, महिला यहाँ से किस्सा कहानी छोड़ती है, तो जब बाराती है उनको बताना होता है, सही गैस कर लिया तो खाना खाओगे, होता है कि नहीं होता। अब बताइए उसकी जगह में अगर डीजे लगा हुआ है तो डीजे तो इतना बेकार होता है कि वो आप पास वाले की बात नहीं सुन सकते, तो वो जो पूछ रहे हैं आपको गीत गायन के माध्यम से, वो सुनाई देगा नहीं देगा ना, तो वो वही खत्म हो जाएगा। हमको आधुनिकता की तरफ बढ़ना है, लेकिन हमारे समाज की नीतियों को, व्यवस्थाओं को सुरक्षित संरक्षित करते हुए, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता, खासकर महिलाओं की। महिलाओं के लिए लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी, आपके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। वो इसलिए कह रही हूं क्योंकि कहते हैं कि पुरुष काम करके जो है ना वो घर आता है, लेकिन महिलाएं काम करके फिर से काम करने के लिए घर पर आती है। आती है कि नहीं आती? खेत किसानी, जब खेती किसानी करने आप जाते हैं तो पुरुष आएंगे, नांगल फांद के आएंगे, लेकिन आके हाथ मुंह धो के आपसे बैठ जाएंगे वो, ठीक है,
लेकिन आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उनके साथ कांध भी लेके आएंगे, खेत में बीज बो के आएंगे, लेकिन जब आप घर में आती हैं तो आपके लिए आराम से बैठने के लिए जगह नहीं है। आपको क्या करना है, जाके वहां राशि में पड़ी होंगी लकड़ियां, उनको लकड़ियों को ला के चूल्हे के पास रखना है। आपको आपके जो बर्तन है दिन भर के वो रखे हुए हैं, आपको मांझ के लेके आने, अंदन चढ़ाना है और वहीं पर दो मिनट के लिए बैठना है कि अंदन आ जाए तो उसमें चावल या पेज हो रहे, सही है ना। इतनी जो मेहनत है ये हमारी मातृशक्तियों को इसलिए दी गई है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमजोर है, वो इसलिए दी गई है कि आप जो है पुरुषों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आप अपनी शक्तियों को समझिए, आपकी ऊर्जा को समझिए, आपको दुगना मेहनत करती है आप, बावजूद उसके आपका भी जीवन भर आप थकती नहीं है, नहीं थकती ना। अभी भी यहां बैठी हुई है, यहां से ऐसा जाके ऐसा नहीं है आप तो यहां संगोष्ठी करने बैठ जाएंगे, मीटिंग करने बैठ जाएंगे कि अच्छा हुआ कार्यक्रम कैसा हुआ, वहां दिमाग में चिंता चल रही है कि आज काम बना दो, घर में चावल में मेरे रहा है कि नहीं है, है ना, ये सोच रहे होंगे। बारी के खीरे को तोड़ के बनाऊ कैसे करूं, अंधेरा हो जाए तो काम बनाऊ, ये चिंता चल रही ना। तो ये दिमाग, ये जो सोच है, ये हमारी पुरखों की सोच है, जहां वो खुद अपने बारे में नहीं सोचते, वो किसके बारे में सोचती, समाज के, परिवार के बारे में, कि अगर मैं यहां पे बैठी रह गई तो मेरे परिवार का आज भूख कैसे मिटेगी। ये सुंदर व्यवस्था आपके पुरखों ने दी, आपके सियानों ने दी है, ये खूबसूरती ही आपके समाज की संस्कृति कहलाती है, जो कहीं बाहर से नहीं सीखी जा सकती। आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी बच्चियों को सिखाइए, जो आप सिखा सकते हैं वो कहीं और नहीं सीख सकते, क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेज देते हैं ना, वो आपके हमने क्या उम्मीद करके भेजा उनको बाहर, हमने ये उम्मीद करके भेजा कि वो बाहर जाएंगे कुछ सीख के आएंगे और समाज के लिए वो फायदा होगा, वो क्या कर रहा है, वो हमारा बच्चा हम बाहर भेज रहे हैं, वो बाहर से आ रहा हूं हमको सिखा रहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। शादी ब्याह में लुगड़ा धुतिया नहीं पहना जाता है, शादी ब्याह में धोती कुर्ता नहीं पहना जाता है, शादी ब्याह में गांधरा चोली पहनेंगे, वो आपको सिखा रहा है। ऐसा बच्चा आप जो युवा साथी, मैं उनसे बारंबार निवेदन करना चाहूंगी कि आपकी जो संस्कृति, आपकी जो धरोहर है, आपको बचाने के लिए, शिक्षित करने के लिए आपके समाज ने, आपके माँ बाप ने आपको बाहर भेजा हुआ है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी, मैं खुद मीडिया से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे पति जो है वो फिल्म डायरेक्टर है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हुई है इन्होंने, और एक फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिल चुकी है, 7 अवार्ड, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो उनसे जब बोला गया कि आप किस तरीके से जो है पहले ये पूछ लें कि वो शादी किस तरीके से करना चाहते हैं, तो मैंने बोला बेशक वो हमारे रीति रिवाज जो है गोंडी रीति रिवाज उनसे ही शादी करेंगे। उन्होंने वहां, क्योंकि जैसे ये कह रही है कि हमारे यहाँ भाषा है, वैशाली ने बोला ना भी कि हमारे यहाँ भाषा लेकिन संस्कृति कम है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्कृति और इनकी भाषा, मुझे दोनों का तालमेल मिला हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। और गोंडी रीति रिवाज संस्कृति जहां मेल खाती है, जहां सारे लोग, जहां क्या मंडला, क्या बालाघाट, क्या डिंडोरी, क्या अनूपपुर, जहां ये मिल जाते हैं ना, इस व्यवस्था को सुंदर बनाने वाले आप गुणवाना के लोग, इसको आप सामूहिक रूप से संस्कृति बना देते हैं, समझ रहे हैं। ये छोटी चीज नहीं है, ये हर किसी के पास ये कला नहीं है जो आपको आपके समाज जितना खूबसूरत बना सके। जब हमारी महिलाओं को, जब माहवारी का समय आता है, जिस पर विशेष जो है कोई लोग बात नहीं करना चाहते, मैं करूंगी, जब भैया माहवारी का समय आता है तो क्या होता है उसमें, माहवारी के समय में आपकी जो माताएं बहने हैं उनको कितना आप आराम देते हैं, देते हैं ना, 5 दिन का अगर माहवारी का समय, तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको बोलोगे कि आप बाहर का काम मत करो, आप उनको बोलोगे पानी कांजी मत भरो, आप उनको क्या बोलोगे कि खाना मत बनाओ, जहां तुम हो वहीं पर तुम्हारे लिए अलग से मटके में पानी रख दिया जाता है ताकि तुमको तकलीफ ना हो पानी भरने के लिए, वजीरियों में जाने के लिए, सही है कि नहीं, करते हैं ना। ये सहूलियत आपके पुरुष देते हैं आपको आराम देने के लिए, आपके लिए खाना बनाकर दे देते हैं कि तुम मेहनत मत करो, तुम्हारे जो कष्ट के दिन है हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा काम करके आपको वो दे देते हैं, देते कि नहीं देते, पुरुष वर्ग सहमत है ना इस बात से, आप उनको कितना आराम देते हैं। ये सुंदर व्यवस्था कहां मिलेगी, ये सिर्फ आपके गोंडिया समाज में व्यवस्थित है ना। तो आप, हमारी जितनी मातृशक्तियां हैं, पितृशक्तियां हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके समाज को, इस खूबसूरत समाज को आप जीवित रखिए, क्योंकि अगर आप खत्म हो जाए तो आपका समाज तो खत्म होगा ही, ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, और इसके सृष्टि को खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, खत्म नहीं होने देंगे ना, आप इस समाज को बचाइए, आप इस अपने जो रीति रिवाज है, पुरखी व्यवस्था है उनको बचा कर रखिए, पुरकोटी व्यवस्था है उनको बचा कर रखिए, गीत गायनों को बचा कर रखिए, क्योंकि आपके गीत गायनों के पीछे बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, जो दादा प्रेमशाह हमारा भी बहुत अच्छे से विस्तार से समझाते हैं, उनके
इनके ज्ञान का तो शायद हमको एक नाखून के बराबर भी ज्ञान नहीं होगा, तो मैं उन पर बात नहीं करना चाहूंगी। और हमारी मातृशक्तियां पितृशक्तियां हमारे जो रानी दुर्गावती मनावी है, सुंदरी देवी है, कमलावती है, आप इनके बारे में प्रेरणा लीजिए, ये प्रेरणा लीजिए कि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो आज से हम सिर्फ अपने बारे में ना सही समाज के बारे में सीखेंगे, इस समाज को सुंदर बनाएंगे। और मुझे यकीन है कि जब आप इस कार्यक्रम से बाहर जाएंगे तो मुझे लगता है रात में कम से कम 5 मिनट ये बात जो है ना यहाँ पर जितने लोगों ने आप लोगों से कही है आपके दिमाग में जरूर घर करेंगे और आप स्पष्ट चिंतन मनन करेंगे। और जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, हमारे जो मातृशक्ति पितृशक्ति हैं, उसमें से जो पितृशक्ति आपको जो इतना बड़ा सहयोग देते हैं, मुझे यकीन है कि आपकी संस्कृति रीति रिवाज परंपराओं को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जैसा राजनीतिक ढांचा चाहिए, क्योंकि आपको खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके से बेहतर जो है रीति रिवाज परंपराओं को संरक्षित कोई और नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति संसद में पहुंचाइए जो आपको संरक्षित कर सके, क्योंकि राजनीति और इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती में राज करने की जो नीति है ना वो हमारे रगों में है। रानी दुर्गावती मनावी, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनसे आप सीख ही चुके होंगे, है ना, तो इससे भी पीछे मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप शासन और सत्ता में है तो मुझे लगता है दुनिया की हर नीति को सही कर सकते हैं, नीति को बिगाड़ सकते हैं, तो सही करने के लिए भी आपको राजनीति में उतरना पड़ेगा। और राजनीति में सिर्फ राज करने के लिए, विधायक बनने के लिए और फिर सांसद बनने के लिए ना, इस समाज को खूबसूरत बने रहे उसके लिए आपको अपने जैसा सांसद और विधायक बनाना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूं और एक बार मेरे साथ हाथ उठा के सेवा सेवा करेंगे करेंगे सुजोत पेंटा दारा हीरा सिंह मकाना। बस यही आशा और उम्मीद करती हूँ, जैसा आप लोग यहाँ पर मानसिक रूप से उपस्थित रहे, मुझे लगता है आप आजीवन अपने समाज के लिए सशक्त रहेंगे और मानसिक रूप से उपस्थित रहेंगे, अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है और इस धरती को बचाने के बारे में सोचेंगे। आप सभी को सादर से वजहार।